क्यों छेड़ दी इस पागल को, बता जरा। अरे यार पागल ही सही, कम से कम फिकर तो करता है। कभी कभी तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, तू शादी क्यों नहीं कर लेती यार? तू ये सब जानकर भी ऐसी बातें करती है। अब वो वापस नहीं आने वाला, वो ना आए ना सही, पर मैं तो अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, इंतजार करूंगी। लेकिन कब तक? कुछ इंतजार ना उम्र की तरह होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंतजार भी बढ़ता है। तू ये सब छोड़। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तू ये बता तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? अरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, और कल तो इतना मजा है जितना मुझे 2 महीने हो गए शादी को अभी तक नहीं आया। देखा कहा था ना मजा आएगा। लेकिन मुझे ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? असली है ये लोडा। समझ में नहीं आ रहा है तुझे ये सब कैसे पता चला? तू आम खा, बीज की फैक्ट्री का पता मत पूछ। तूने सही कहा, आम तो कितने भी खा लो मगर भूख तो केले से ही मिटती है। नॉटी। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ। ये देख। अरे ये क्या है? खोल, ये वही डॉक्टर है जिसने तेरा इलाज किया है। क्या बोला तूने? ये क्या, इसमें तो ये गंदी गंदी फोटो बनी हुई है। बस यही जो तूने तेरे पति के साथ किया, क्या वो गंदा काम नहीं था? वो तो क्यों हिला डाला ना, पति पत्नी का धर्म होता है ना। तो इसमें कौन सा लिखा है कि कहीं भी किसी के साथ शुरू हो जाओ? इसमें तो सिर्फ तरीका बताया गया है और बातें समझाई गई है। लेकिन ये सब पढ़कर तुझे कैसे समझ आया कि ये मेरे लिए वही सब पोस्ट सही रहेगा? पता नहीं यार, बस अपने आप ही आ गया ऐसा लग। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, असली है ये लोडा। लगता है कि इस किताब से कुछ कनेक्शन है। किताब से या किताब लिखने वाले से? हट। जरा ये सोच कर देख। हाँ? जिसने ये किताब लिखी है उसको कितना कुछ पता होगा। क्या बोला तूने? रोज रोज नए तरीके से अपनी पत्नी के साथ कितना खुश रहता होगा वो, और वो पत्नी भी कितनी खुश होगी ना। सच में यार, उसकी पत्नी या गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी। क्या बोला तूने? अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है।